घर एक मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी ज़रूरत होती है जिसको बनाने में उसके सपने यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. वेरी लवली अबली मज झकास वाली गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज कितना अच्छा लगता है ना, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वीडियो इतनी लंबे टाइम के बाद आ रही है। तो कुछ सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितना बिजी चल रहा था, हाउ आई एम बिजी नाउ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या बकवास करें, वैसे भी पता नहीं क्यों कैमरा फेस करने में मेरी अभी फट रही है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आया हूँ ना यूट्यूब पे। देन स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग आई नॉट टेल यू डैट कि मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है, एंड इस कैमरे से आज मैं शूट करने वाला हूँ लगभग अपनी सारी वीडियोज़ को। तो मे भी थोड़ा सा वॉइस का जो है इशू रहे, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना। एंड अभी मैं सेटअप इसका जो कवर है मैंने निकाल लिया है। तो देन चलो कुछ तड़कता भड़कता शूट करते हैं। वैसे भी मेरा सेटअप ना काफ़ी बढ़िया लगता है, आई एम बहुत ही कूल ना विद ब्लॉगिंग। तो भैया सीन यहाँ का कुछ ऐसा है कि सारे चीज़ें उखड़े पड़े हुए हैं, देर इज़ बहुत ही ज़्यादा उखड़ा पुखड़ा सामान पड़ा हुआ है। तो ये मेरा जो घर है अभी बन रहा है, एंड कितना अच्छा लगता है ना जब इस कैमरे से शूट होता है। ये फीस वाली जो स्टाइल आती है ना, गजब, ये वाली मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ये जो सीन है कुछ ऐसा है, यहाँ से सीढ़ी वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से टर्न छत पे जाएगी, तो कुछ ऐसा है। तो ये जो वॉल है इसको अभी मुझको पानी मारना है, बिकॉज पानी मारते रहना चाहिए क्योंकि जब ये नहाएगा तभी तो स्ट्रांग बनेगा। देन गाइज अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऊपर चल के कुछ सीन यहाँ का। मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट गिवेन बाई मॉम, काफ़ी सदियों पहले मिला था मेरे को, तो लेकिन अब दिखा दे रहा हूँ किस सिचुएशन में पड़ी हुई है। तो काफ़ी अच्छी थी बट अभी काफ़ी बैड सिचुएशन में पड़ी हुई है, मैं इसको बनवाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो सरप्राइज, ये है मेरी दुनिया की पहली बाइसिकल जिसका मैं ऑनर बना था, गिफ्टेड बाई माई मॉम। ओके, तो देन इसको आज मैं रिपेयर करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी दिनों से फटी हुई है। तो मम्मी से मैंने, यार इसकी गद्दी सद्दी सब फट गई हैं देख रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा गंदी। SLR माय फेवरेट। देन अभी मैं चल रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा सीन मेरे घर पे। ये सीढ़ी है और इसके सहारे हम लोग चढ़ेंगे छत पे, छत तो अभी लगा ही नहीं है ना, यहाँ पे चढ़ने में काफ़ी डर लगता है मुझको, बट मैंने देखा इन लोगों ने काम किया तो मैंने सोचा मेरा भी 50-50 kg का वेट है, उठा लेगा। तो सीन कुछ ऐसा है यहाँ का। नाउ गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही है बिकॉज आई एम वेरी बिजी यार, काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कितना बिजी चल रहा हूँ, बिकॉज सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, ये सारा का सारा अरेंजमेंट सारी चीज़ें। तो कुछ लोग तो ऐसे बैड कमेंट्स भी करते हैं, भाई अब तू ख़त्म हो गया और तेरी वीडियो नहीं आएंगी, अब तेरा यूट्यूब चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो कोई नहीं, होती रहती हैं ऐसे कमेंट्स, आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की पर्सनली कमेंट्स भी आ रहे थे, अवधेश भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे चढ़ने के बाद काफ़ी नर्वसनेस सब मुझको फील हो रहा है। तो काफ़ी लोगों की कमेंट्स आते हैं कि अवधेश भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मैं बताना चाहूँगा उनको, स्पेशली एक ही रीज़न है कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। देन जैसे ही मेरे घर का काम कंप्लीट होता है कंटिन्यू वीडियो आएंगी, क्योंकि जब मेरा घर कंप्लीट होगा उसके बाद सरप्राइजली मे बी कुछ और नए मेहमान आ जाए घर में,
तो नया मेहमान कौन सा होगा वो आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज़ इट्स सरप्राइज। देन चलो नीचे चलते हैं, काफ़ी दूर चला आया हूँ मैं, इस पे चलने में डर लगता है, तो देख रहे हो। ओवरऑल गाइज अभी आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एंड मुझे टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है, मैं कितना बिजी चल रहा हूँ। एंड कुछ बातें आप लोगों से करनी थी जो कि दिल की भी थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी थी, तो मे बी ब्लॉग्स आने लगे तो वो सारी बातें शेयर की जाएंगी आपसे। दिल की बातें यही थी कि भाई बहुत बिजी चल रहा हूँ, बस अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो भाइयों एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी, जो ये एक्शन कैमरा का एंगल है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ मैंने फ्रंट कैमरे से अभी तक मैक्सिमम वीडियोस को शूट किया है और उसमें मेरा फेस नहीं दिखता है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि यहाँ रखना है, ऐसे रखना है, किस एंगल में रखना है कैमरे को। तो मे बी मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिकॉज़ ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसके पहले भी एक ही वीडियो शूट किया है, तो मुझे एंगल का खासकर पता नहीं चला कि मतलब कैसा एंगल बनेगा। सो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, बट मैं कोशिश करूँगा एंगल को एकदम परफेक्ट करने की। ओके तो कीप कंटिन्यू एंड ब्लॉग्स आएंगी मे बी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, 2-3 दिन पे एक ब्लॉग तो आएगी आएगी। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। अपने भाई को सपोर्ट करते रहो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नई कंटेंट में, एक टॉपिक के साथ, एक टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कंटेंट के साथ। कंटेंट क्या कहें, कंटेंट क्या कहें भैया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज तुम्हारा भाई पॉवर्टी प्रॉब्लम। नाउ सेम सिचुएशन इज माइन एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, ऐसा ही बोलते हैं ना।